वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वास्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में। इन जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फ्लोएम क्या होता है एंड फ्लोएम के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फ्लोएम का काम होता है जो फूड बॉडी के, फूड जो प्लांट बॉडी बनाती है लीव्स के अंदर, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक भेजने का। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो फ्लोएम एक टाइप का कम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का सहन होता है। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी फूड, ऑर्गेनिक फूड जो बनता है यहाँ पे, जिसका निर्माण पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी फूड के रूप में होता है। ठीक है, पत्तियां क्या करती है, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो आता है वहां पे, इकट्ठा होता है एंड देन फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वहां पे कार्बनिक या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होता है। फ्लोएम को बास्ट नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोएम जो है इसके अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं या फिर कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे होते हैं ये सीव एलिमेंट्स, जैसे कि ये छलनी जैसे होते हैं। ठीक है, सीव नाम से पता चल रहा है, तो इनके अंदर से ऐसे ये यहाँ से जा सकता है फूड। तो सीव यहाँ पे प्लेट ये फॉर्म करते हैं, तो सीव एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होती है कंपेनियन सेल। ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, जैसे जाइलम फाइबर थी वैसे फ्लोएम फाइबर होते हैं। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, इसके बाहर ये जो है लेयर, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा की होती है। एंड यहाँ पे ये जो सीव प्लेट एंड यहाँ पे सीव ट्यूब मिलके ये एक सीव ट्यूब बनती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सीव ट्यूब बनेगी जिसके अंदर ये सीव एलिमेंट होंगे। तो इनके वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे चालनी तत्व, यानी कि सीव एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, यह फ्लोएम का एक लंबा पतला और नलिकाकार यानी लॉन्ग थिन और ट्यूबुलर भाग होता है। ठीक है, जैसे इसी ट्यूब है, बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छलनी के समान छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड्स के ऊपर क्या है, एंड्स के ऊपर ये छलनी के समान छिद्र है यहाँ पे। सीव एलिमेंट में सीव प्लेट होती है जो छिद्रित यानी परफोरेटेड होती है। अब ये जैसे कि हम अगर इस प्लेट की बात करें और ये प्लेट के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इसको परफोरेटेड बोला जाता है। तो ये जो सीव प्लेट है वो परफोरेटेड होती है और इन्हीं छिद्रों से होकर समीपस्थ कोशिकाएँ हैं, जो नियर बाई सेल्स है में इन इसका कोशिका रस यानी सेल सैप संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा जब ये सीव प्लेट है, सीव प्लेट जब बनती है तो इसमें एक सीव एरिया यानी कि चालनी क्षेत्र होता है, तो उसे सरल सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, सीव एरिया हो गया और उसके अंदर एक ही, जैसे सीव प्लेट हो गया और अगर उसके अंदर एक ही यहाँ पे पोर है तो उसको बोला जाता है यहाँ पे सिंपल सीव प्लेट या फिर सरल सीव प्लेट कहते हैं। लेकिन अगर इस प्लेट के अंदर बहुत सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे पोर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, जब अनेक चालनी क्षेत्र हो यानी कि बहुत सारे यहाँ पे सीव एरिया हो, तो संयुक्त चालनी यहाँ पे इसको क्या बना देता है, चालनी पट बना देता है, यानी कि यहाँ पे इसको सिंपल पट या फिर कंपाउंड सीव प्लेट कहते हैं। तो बेसिकली सीव प्लेट यहाँ पे होती है, एक प्लेट के अंदर जैसे कि छलनी होती है वैसे ही होती है ये, इसके अंदर पोर्स होते हैं। अगर एक ही यहाँ पे सीव एरिया है तो इसको बोला जाता है सरल सीव प्लेट, अगर बहुत सारे हैं तो इसको बोला जाता है कंपाउंड सीव प्लेट। ठीक है, इसको कंपाउंड सीव प्लेट बोला जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे सीव एलिमेंट के बारे में, ये यहाँ पे ये सीव ट्यूब बनती है। ठीक है, ये सीव ट्यूब हो गई। कभी कभी जो सीव है उसके क्षेत्र में पार्शियल लंबवत यानी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल भित्ति पर भी होते हैं, जिसे फर्न के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ये वाली जो इसके अंदर क्षेत्र होता है, वहाँ पे भी कई बार परफोरेशन या फिर सीव पाई जाती है। शीतकाल में चालनी पट कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा एक पतले स्तर जैसे, जिसे कैलस कहते हैं, के द्वारा ढक दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे शीतकाल आता है तो ये जो
जो ये सीव प्लेट यहाँ पे बनी थी, ठीक है, सीव प्लेट को क्या कर दिया जाएगा, सीव प्लेट को ऐसे ढक दिया जाएगा। और ढका किसके थ्रू जाता है, ढका जाता है ये कैलोस के थ्रू, कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होता है और इसे बोला जाता है कैलस, ठीक है, पतले स्तर जिसे, इसको कैलस भी बोला जाता है, कैलस के द्वारा ये ढक दिया जाता है जिससे चालनीय क्षेत्र बंद हो जाता है और जो फूड होते हैं उनका आवागमन रुक जाता है, ठीक है, ये होता है शीतकाल के अंदर। अब जैसे ही दोबारा से बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो ये जो कैलस है, ये जो कैलस यहाँ पे बना था, ये घुल जाएगा और चालनी नलिका पुनः क्रियाशील हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, फूड कम बना पाते हैं पौधे, तो एक तरह से उनके जो लीव्स है वो भी फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये अपनी सप्लाई को लिमिटेड कर देते हैं। तो ये सेव प्लेट्स के ऊपर क्या कर देते हैं, एक कैलस कार्बोहाइड्रेट, कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी एक पतली स्तर बना लेते हैं। जैसे ही दोबारा फेवरेबल सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो ये जो कैलस बना था वो घुल जाता है और नलिका जो है, ये सीव प्लेट जो है, पुनः क्रियाशील हो जाती है। प्रोट चालनी नलिका एंड सीव ट्यूब का केंद्रक न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है और इसका प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, ठीक है, जो बड़ी हो जाती है, जो मेच्योर हो जाती है सीव, जो सीव ट्यूब, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इनके अंदर वो नष्ट हो जाएगा एंड सिर्फ इसका काम क्या बच जाएगा, इसका काम बच जाएगा पदार्थों का सहन करने का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिंपल दिखाया है, यहाँ पे ये व्यू दिखाया हुआ, जैसे कि एक सीव प्लेट है, इसके अंदर ये बहुत सारे पोर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है सखी कोशिकाएं, यानी कि कंपेनियन सेल्स, जो कि सीव ट्यूब के साइड में ही पाई जाती है। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब के साइड में ही पाई जाती है, ये एक लंबी एक कोशिकीय है, लॉन्ग यूनि सेलुलर लिविंग सेल्स होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, लॉन्ग यूनि सेलुलर लिविंग सेल्स होती हैं और ये कोशिकाएं सीव ट्यूब यानी चालनी नलिका के पार्श्व यानी लेटरल में स्थित होती है, साइड में, ठीक है, इसके साइड में ही ये स्थित है। ये सेल्स यूनि न्यूक्लियेट यानी कि एक केंद्रिक होती है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है और ये सेल्स भोजन के स्थानांतरण में चालनी नलिका सीव ट्यूब की सहायता करती है, भोजन जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसमें ये भी हेल्प करती है। ये सेल्स जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर पाई जाती है और जो कंपेनियन सेल्स है और जो सीव ट्यूब है, ये एक कोशिका में से उत्पन्न होती है, ठीक है, ये एक एक ही कोशिका से उत्पन्न होती है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो ये हो गया यहाँ पे कंपेनियन सेल के बारे में। थर्ड टाइप का आता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम के साथ संबंध दृढ़ोत्तक कोशिका यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जैसे कि जाइलम के अंदर हमने देखा था, वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कि जाइलम फाइबर्स बना रही थी, ऐसे ही स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है जो कि फ्लोएम फाइबर या फिर बास्ट रेशे इनको कहते हैं। फ्लोएम फाइबर प्राइमरी और सेकेंडरी द्वितीयक यानी कि दोनों प्रकार के फ्लोएम फाइबर हो सकते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के यहाँ पे फ्लोएम में पाए जाते हैं। जैसे कि जाइलम के अंदर भी हमने यही देखा था कि जो जाइलम फाइबर होते हैं वो प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम दोनों के अंदर ही मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या था, जो उसकी भित्ति थी वो थोड़ी सी मोटी हो गई थी, ऐसा ही फ्लोएम फाइबर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं और प्राइमरी फ्लोएम की अपेक्षाकृत द्वितीयक फ्लोएम इसके अंदर इसकी अधिकता मिलती है। इनकी कोशिकाएं लंबी लिग्निन युक्त होती हैं और जिनमें साधारणतः गर्त पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, फाइबर्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना एंड इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, लिग्निन युक्त होती है, ठीक है, लिग्निन युक्त इनकी कोशिकाएं होती है और साधारण इनके अंदर गर्त पाए जाते हैं, पिट इनके अंदर पाई जाती है। तो ये होते हैं यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में पाई जाने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स को फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है, इसके बाहर जो है ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है,
ये सेल्स जो है ये लिविंग होती है, ठीक है। सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है। ये सेल्स मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य मंड का संचय यानी कि स्टार्च जो होती है उसका स्टोरेज करने का होता है। जो वसा होती है यानी कि फैट और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ होती है उनका संचय यानी स्टोरेज करने का होता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेनली काम क्या है? स्टोरेज का इसका काम होता है। स्टार्च फैट या फिर कार्बनिक पदार्थों का ये स्टोरेज करती है। तो ये होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, तो प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो पोजीशन है, सीव ट्यूब एलिमेंट के समान ही होती है, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट के समान ही इसकी फ्लोएम पैरेन्काइमा की प्राइमरी फ्लोएम के अंदर इसकी ओरिएंटेशन या फिर पोजीशन होती है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम है इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा में दो प्रकार के तंत्र यानी सिस्टम पाए जाते हैं। एक यहाँ पे वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल ही पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर, एक तो यहाँ पे वर्टिकल होता है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल सिस्टम में उपस्थित फ्लोएम पैरेन्काइमा एवं हॉरिजॉन्टल सिस्टम में का फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम रेज कहलाता है, ठीक है। जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम में फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है उनको फ्लोएम पैरेन्काइमा उनको फ्लोएम रेज कहते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? फ्लोएम रेज इनको बोला जाता है। यहाँ तक हमने फ्लोएम के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि सीव एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर्स होते हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सेप्शन क्या है कि जो बास्ट फाइबर्स फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? बाकी सभी लिविंग होते हैं, बाकी लिविंग सेल्स होती है। ऐसे ही हमने जाइलम के अंदर देखा था वुड पैरेन्काइमा, फिर जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग सेल थी, बाकी सब क्या थी? बाकी सब डेड थी, बाकी सब डेड थी। तो ओनली लिविंग ये थी। एंड फ्लोएम के अंदर क्या है? जो बास्ट फाइबर्स है या फिर फ्लोएम फाइबर्स है वो डेड होते हैं, बाकी सब क्या है? बाकी लिविंग होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए राइट डाउन करके रख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वास्कुलर बंडल के टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।